हेलो एवरीवन वेलकम टू फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल आई एम नीरज कुमार क्या थल टुडे इज ट्वेंटी फोर मार्च 2022 ट्वेंटी टू एंड टुडे इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर अपकमिंग नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स आर फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट कॉमन कैंसर अकर्स इन इंडिया आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि यह बताता हो कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर पाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर बोन कैंसर लंग कैंसर या फिर रीनल कैंसर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए याद रखिएगा भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं यानी विकासशील देश हैं जो कि अभी विकसित नहीं हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा पाया जाता है तो आप बताएंगे सर्वाइकल कैंसर लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि अमेरिका ब्रिटेन आदि इनमें कौन सा कैंसर पाया जाता है सबसे ज्यादा तो आप बताएंगे ब्रेस्ट कैंसर लेकिन यहां पर इस तरह से कुछ भी मेंशन नहीं था तो इन चारों ऑप्शंस में से ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर टाइप है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाल्व प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम हर्ट के लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का बैकफ्लो ना हो इसे रोकने के लिए कौन सा वाल्व प्रेजेंट रहता है एरोटिक वाल्व पल्मनरी वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व या फिर मेट्रल वाल्व। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इट इज मेट्रल वाल्व। देखिए वाल्व को आप हिंदी में कपाट के नाम से जानते हैं दे आर लाइक जस्ट अ डोर्स मान लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल है इस ब्लड वेसल में कुछ इस प्रकार से वाल्व पाए जाते हैं जब तक ब्लड एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है तब तक ये ओपन रहते हैं लेकिन अगर किसी कारण से ब्लड बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करे यानी वापस पीछे की तरफ जाने की कोशिश करे तो ऐसा जैसे ही होने लगता है ये वाल्व बंद हो जाते हैं और ब्लड जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाता तो हमेशा याद रखिएगा वाल्व एक तरह से ऐसे डोर्स हैं जो कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में मूव करने देते हैं जैसे ही बैकवर्ड फ्लो होता है ये डोर्स क्लोज हो जाते हैं वाल्व क्लोज हो जाते हैं अब हर्ट की बात की जाए तो हर्ट के अंदर टोटल चार वाल्व्स पाए जाते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाता है इसे आप बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व के नाम से जानते हैं इसकी स्ट्रक्चर दिखने में कुछ इस प्रकार की होती है दो कस्प होते हैं यहाँ पर इसलिए इसे बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है इसके अलावा राइट right एट्रियम और राइट right वेंट्रिकल के बीच में तीन कस्प वाला वाल्व पाया जाता है जो कि दिखने में कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर वाला होता है ये कस्पिड स्ट्रक्चर वाला होता है इसलिए ट्राई कस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है साथ ही साथ ये राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है इन वाल्व्स का काम है कि जब तक ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में मूव हो रहा है ये ओपन रहते हैं इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर किसी कारण से वेंट्रिकल से वापस ब्लड एट्रियम की तरफ मूव करने लगे तो ये वाल्व तुरंत क्लोज हो जाते हैं और ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोक देते हैं इसके साथ ही ले, लेफ्ट वेंट्रिकल ये वाला जो हर्ट का चैम्बर है जहां से ब्लड पंप करके आगे एरोटा में भेजा जाता है और फिर एरोटा इसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है इस लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में जो वाल्व पाया जाता है इसे आप एरोटिक वाल्व के नाम से भी जानते हैं साथ ही साथ राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वाल्व पाया जाता है इसे हम पल्मोनरी वाल्व के नाम से जानते हैं होपफुली दिस होल कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ किडनी एक्सेप्ट इस वर्ड को आप कभी भी नज़रअंदाज ना करें क्वेश्चन के लगभग आखिरी में आपको ये देखने को मिलेगा और इसका प्रेजेंस इस क्वेश्चन के मीनिंग को जस्ट ऑपोजिट कर देता है क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा काम किडनी का नहीं है फंक्शन किडनी का नहीं है फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटीन फॉर्मेशन ऑफ यूरिया मेंटेनिंग वाटर बैलेंस मेंटेनिंग एसिड बैलेंस विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी द राइट आंसर एज ऑप्शन बी हमारी किडनी के द्वारा इरिथ्रोपोइटीन का प्रोडक्शन किया जाता है वाटर बैलेंस को मेंटेन किया जाता है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन किया जाता है लेकिन यूरिया का फॉर्मेशन किडनी का प्रोसेस नहीं है हाँ यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने का काम जरूर किडनीज करती हैं लेकिन इसके फॉर्मेशन का काम किडनी का नहीं है आइए इन सभी पॉइंट्स को जान लेते हैं फंक्शंस ऑफ किडनीज आर मेंटेनिंग वाटर इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस हमारी किडनी जब हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर होता है तो इसे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल कर वाटर की फ्लूइड की मात्रा को रेगुलेट करती है जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जैसे पोटेशियम सोडियम आदि का लेवल बढ़ने लगता है तो इन्हें बॉडी से बाहर निकाल कर उनकी मात्रा को रेगुलेट करती है साथ ही साथ एच प्लस आयन या बाइकार्बोनेट आयन के बीच आए डिस्टर्बेंस यानी मेटाबॉलिक एसिड बेस इम्बेलेंस को भी ये करेक्ट करवाती है बाय द एक्सक्रीशन ऑफ एच प्लस एन बाई कार्बोनेट आयन ये तीनों फंक्शंस आप अच्छे से जानते हैं इसके अलावा हमारी किडनी कुछ हॉर्मोन्स का निर्माण भी करती है जिसमें इरिथ्रोपोइटिन रेनिन और 125 ट्वेंटी फाइव डाईहाइड्रोक्सी कॉल कैल्सिफिरल भी इम्पॉर्टेंट है ये हॉर्मोन हमारी बॉडी में विटामिन डी के सिंथेसिस कैल्शियम के एब्जॉर्बशन के लिए इसेंशियल माना जाता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आर के निर्माण के लिए आवश्यक है अगर किसी पर्सन में किडनी फेलियर हो जाएगा तो वहाँ पर इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बनेगा और इरिथ्रोपोइटिन ना बनने के कारण उस पर्सन में आर की कमी हो जाएगी और पर्सन को एनीमिया हो जाता है याद रखिएगा किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स को हम इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बाहर से भी देते हैं नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया यूरिक एसिड एंड करेटेनिन हमारी बॉडी में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद बनने वाले सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया यूरिक एसिड एंड करेटेन बॉडी से बाहर किडनी द्वारा यूरिन के यूरिन के थ्रू भेजे जाते हैं ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और याद रखिएगा यूरिया का फॉर्मेशन जो है किडनी नहीं करती यूरिया का एक्सक्रीशन किडनी करती है यूरिया का फॉर्मेशन प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के बाद में लीवर द्वारा किया जाता है आप डाइट में प्रोटीन लेते हैं इसका मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में वहां मेटाबॉलिज्म होने के बाद यह कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया और यूरिक एसिड क्रेटिनिन आदि सब्सटेंस में और फिर किडनी इन्हें बॉडी से बाहर निकाल देती है नेक्स्ट क्वेश्चन रेड पैच ऑन सॉफ्ट टिश्यू इज नोन एज हमारे बॉडी में किसी भी हिस्से पर अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ पर लाल चक्ता पड़ जाए रेड पैच पड़ जाए तो इसे आप क्या कहेंगे ल्यूकोप्लेकिया एरिथ्रोप्लेकिया मेस्टोईडाइनिया या फिर बोथ ए एंड बी रेड पैच ऑन बॉडी द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इट इज कॉल्ड इरिथ्रोप्लेकिया इसके बारे में और जान लेते हैं एरिथ्रोप्लेकिया इज एन एबनॉर्मल रेड एरिया और ग्रुप ऑफ रेड स्पॉट्स दैट फॉर्म्स द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग माउथ विथ नो क्लियर कॉज हमारे बॉडी के अंदर याद रखिएगा हमारे बॉडी के अंदर जहां पर म्यूकस टिश्यू या म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती हैं इन म्यूकस मेम्ब्रेन में यदि किसी प्रकार का रेड पैच डेवलप हो जाए और ये क्यों हुआ है इसका कोई एग्जैक्ट कॉज ना हो तो इसे आप इरीथ्रोप्लेक्किया के नाम से जानते हैं अगर इसी तरह से हमारी बॉडी में म्यूकस के ऊपर म्यूकस टिश्यूज़ के ऊपर वाइट पैचेस डेवलप हो जाएं तो इन्हें ल्यूकोप्लेकिया के नाम से जाना जाता है ऐसे पैचेस जनरली कैंसर की शुरुआत को बताते हैं प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा भी गया है इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन एट बर्थ द न्यू लैक्स द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जन्म के तुरंत बाद बच्चे की इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियल फ्लोरा यानी बैक्टीरिया नहीं पाया जाता ये बैक्टीरिया किस सब्सटेंस के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं बिलिरुबिन ब्लड सेल्स विटामिन के या फिर बाइल द राइट आंसर इज ऑप्शन सी विटामिन के हमेशा बैक्टीरियाज बुरे नहीं होते कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में रहते हैं और बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं याद रखिएगा हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो लगातार विटामिन के के निर्माण में हेल्प करते हैं और विटामिन के जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर नंबर टू सेवन नाइन और टेन के निर्माण के लिए ज़रूरी हैं अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में अगर थोड़ा भी इंजरी हो जाए तो लगातार वहाँ से ब्लीडिंग होगा और पर्सन की डेथ तक हो सकती है याद रखिएगा बच्चों में विटामिन के नहीं होता इस कारण ये सभी क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन पाते और जन्म के तुरंत बाद इसी वजह से उन्हें विटामिन के, के इंजेक्शन इंट्रामस्क्युलर रूट से दिए जाते हैं ताकि उनमें किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग होने की संभावना खत्म की जा सके टोटल क्लॉटिंग फैक्टर्स की संख्या होती है थर्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन थ्रोम्बोसाइटोपीनिया स्टैंड फॉर थ्रोम्बोसाइटोपीनिया का क्या मीनिंग है यह आपको बताना है रिड्यूस प्लेटलेट काउंट रिड्यूस आरबीसी नंबर रिड्यूस डब्ल्यूबीसी काउंट या इंक्रीज प्लेटलेट काउंट राइट आंसर इज ऑप्शन ए रिड्यूस प्लेटलेट काउंट यानी प्लेटलेट की संख्या कम हो जाना प्लेटलेट्स को आप थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं तो यह हो गया प्लेटलेट्स का दूसरा नाम और जिस भी शब्द के पीछे आपको सुफिक्स के रूप में पीनिया शब्द लगा मिले तो इसका मतलब है कि कमी होना डेफिशिएंसी होना डिक्रीज होना तो अब आप बता सकते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो रही है तो ये सिचुएशन थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कहलाती है थ्रोम्बोसाइट मींस प्लेटलेट और ये ब्लड के क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है इसी प्रकार से आर को आप इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं और डब्ल्यू को आप ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट आपको बताना है कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम बाई कार्बोनेट के रूप में कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होती है सेवन नाइन्टी ट्वेंटी वन या सेवेंटी

इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है तो आप बताएंगे ट्वेंटी वन परसेंट और सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है तो आप बताएंगे नाइट्रोजन जो कि सेवेंटी एट परसेंट होती है इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो होते हैं उनका कलर आपसे पूछा जा सकता है याद रखिएगा ब्लैक टॉप विद वाइट हेड अगर सिलेंडर नीचे से काला है और ऊपर से इसके शोल्डर्स सफ़ेद हैं टॉप एरिया सफ़ेद है तो आप बता सकते हैं दिस इज द ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को आप हमेशा ठंडे जगहों पर स्टोर करते हैं अदरवाइज अगर आपने इसे धूप में या किसी गर्म एरिया में रख दिया तो इस, सिला, इस सिलेंडर में मौजूद ऑक्सीजन बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी और ये सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है

द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इट इज़ हाइपोटेंशन जिस पेशेंट को भी रेस्पिरेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है डिस्पनिया आदि तो उसमें ब्रोंको का इस्तेमाल किया जाता है ये मेडिसिन हमारे ब्रोंकस को वाइड कर देती हैं डायलेट कर देती हैं ताकि गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर और इजीली हो सके इससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है टनीटस का मतलब है रिंगिंग सेंसेशन और साउंड रिंग लाइका रिंग और बैल कानों में घंटी जैसी सुनाई देना आवाज टीनिटस कहलाती है और अटैक्सिया का मतलब है कि सही तरीके से पेशेंट का चल फिर ना पाना नेक्स्ट क्वेश्चन स्मोकी ब्राउन कलर ऑफ यूरीन सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ इन यूरिन अगर किसी क्लाइंट में यूरिन का कलर स्मोकी ब्राउन दिखाई देता है तो ये यूरिन में किसकी प्रेजेंस को बताता है यूरिन में ब्लड पिगमेंट हो सकता है बाइल पिगमेंट हो सकता है या ब्लड हो सकता है या काइलो यूरिया कंडीशन है द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इट डिनोट्स द कंडीशन इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन ब्लड पिगमेंट गिव्स स्मोकी ब्राउन कलर बाइल पिगमेंट गिव्स ब्राउनिश येलो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड गिव्स पिंक कलर अगर यूरिन में ब्लड कई अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है तो यूरिन का कलर स्मोकी ब्राउन हो जाएगा अगर बाइल पिगमेंट किसी कारण से ब्लड में पहुंचा है तो यूरिन का कलर ब्राउनिश या ग्रीन येलो होगा और हल्का फुल्का अमाउंट यदि ब्लड का यूरिन में है तो यूरिन पिंक कलर का दिखाई देगा नेक्स्ट आता है काइलो यूरिया इट इज़ अ रेयर कंडीशन इन विच लिम्फेटिक फ्लूड लीक्स इन टू द किडनी एंड टर्नस द यूरिन मिल्की वाइट काइलो यूरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी कारण से जो लिम्फेटिक फ्लूड है वो यूरिन तक पहुंच जाता है उसमें मिक्स हो जाता है हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ लिम्फ का सर्कुलेशन भी होता रहता है जो कि बॉडी की, की प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है आपसे यदि पूछ लिया जाए कि लिम्फ जो होता है लिम्फेटिक फ्लूइड जो होता है उसका कलर कैसा होता है तो आप बताएंगे ये वाइट कलर की अपीरियंस देता है तो याद रखिएगा जब भी बॉडी में किसी एरिया के अंदर फ्लूइड का कलर वाइट हो जाता है तो वहां पर आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हो ना हो यहां पर कहीं से लिम्फ पहुंचा है इसी वजह से फ्लूइड की अपीरेंस व्हाइट हो गई है और फ्लूइड का वाइटिस होना काइलो यूरिया के नाम से जाना जाता है सी एच वाई एल जो है लिम्फ को डिनोट करने वाला प्रीफिक्स है इट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द पैरासाइटिक इन्फेक्शन वूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी बट कैन ऑल्सो हैव नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस जनरली कायलो यूरिया यानी यूरिन में लिम्फ की प्रेजेंस वूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के बाद देखी जाती है लेकिन कई बार नॉन इन्फेक्शियस कॉज भी इसके हो सकते हैं जिसमें बॉडी में किसी प्रकार का ट्रॉमा फिस्टूला आदि भी इम्पॉर्टेंट है Take स्क्रीन शॉट फॉर योर रिविजन नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम प्रेजेंट इन सेवा एस हमारी लार में सेलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन टाइलिन या गैस्ट्रीन द राइट आंसर इज ऑप्शन सी हमारे सेलाइवा में टाइलिन नामक सब्सटेंस या एंजाइम पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन सीडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू हेल्प पेशेंट डू आपको बताना है कि अगर हम किसी पेशेंट को सीडेटिवस या हिप्नोटिक ड्रग्स दे रहे हैं तो इससे क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा इस इन मेडिसिन को लेने के बाद पेशेंट अलर्ट रहेगा या फिर उसकी जो हाइपर एक्टिविटी वाली स्टेट है वो रिड्यूस हो जाएगी यानी पेशेंट पहले जो उछल कूद मचा रहा था उत्पात मचा मचा रहा था वो अब कुछ शांत हो जाएगा या फिर पेशेंट नींद से जग जाएगा या फिर वो सो जाएगा इन चारों ऑप्शंस में से एग्जैक्टली exactly सीडेटिवज़ या हिप्नोटिक ड्रग्स क्या करती हैं ये आपको सेलेक्ट करना है राइट आंसर इज ऑप्शन बी यस एग्जैक्टली याद रखिएगा जब भी हम किसी पेशेंट को सीडेटिव देते हैं तो वो बेहोश नहीं होता सो नहीं जाता बल्कि उसको जो हल्की सुस्ती महसूस होती है उसका सेंसेशन लेवल एक्टिविटी लेवल कुछ कम हो जाता है ऑप्शन बी एज करेक्ट हियर नेक्स्ट क्वेश्चन अ क्लाइंट हैज कॉन्ट्रास्ट मीडियम इंजेक्टेड इन टू ब्रेकिअल आर्ट्री सो दैट अल एनजियोग्राम कैन बी परफॉर्म्ड वॉट नर्सिंग असमेंट इज मोस्ट इसेंशियल इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसीजर किसी पेशेंट में हेड एरिया में मौजूद ब्लड वेसल्स का आपको एक्सरे करना है इसके लिए आपने ब्रेकिअल आर्ट्री द्वारा डाई या कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट किया है इस सेरिब्रल एंजियोग्राम प्रोसीजर होने के बाद इमीडिएटली नर्सिंग असेसमेंट कौन सा होना चाहिए यह आपको बताना है आपके ऑप्शंस हैं स्टेबिलिटी ऑफ गेंट आप इस पर्सन में गेंट कैसा है इसे चेक करेंगे या फिर इस पर्सन में गैग रिफ्लेक्स है या नहीं इसे देखेंगे प्रोसीजर के तुरंत बाद आप पर्सन के दोनों हाथों से ब्लड प्रेशर लेंगे या फिर सिमेट्री ऑफ रेडियल पल्स का असेसमेंट करेंगे यानी दोनों हाथों में पल्स इक्वल आ रही है या नहीं इसे चेक करेंगे द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर यहां पर हम सिमेट्री ऑफ रेडियल पल्सेस को चेक करेंगे आइए इस प्रोसीजर के बारे में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं Cerebral angiography is a form of angiography which provides images of blood vessels in and around the brain, thereby allowing detection of abnormalities such as atriovenous malformation and aneurysm. Sorry for that, it is aneurysm. सेरिब्रल एंजियोग्राफी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम ब्रेन या उसके आसपास मौजूद ब्लड वेसल्स में किसी प्रकार की एनाटॉमिकल एबनॉमेलिटीज तो नहीं एन्यिज्म तो नहीं इस चीज का असेसमेंट करते हैं ट्रॉमा टू आर्टरी कैन इंटरफेयर विद द सर्कुलेशन ऑफ असेस्ड एक्सट्रीमिटी जब इस पेशेंट में आप ब्रेकियल आर्टरी से डाई इंजेक्ट कर रहे थे तो इस दौरान ब्रेकिल आर्टरी को पंचर करना पड़ता है और पंचर के दौरान किसी प्रकार का वहाँ डैमेज है या नहीं इस चीज को असेस करने के लिए हम उस एरिया में प्रोसीजर के बाद पल्स का असेसमेंट करते हैं दिस इज मोस्ट इजीली असेस्ड बाय चेकिंग पल्सेस एज और इस चीज के असेसमेंट के लिए हम दोनों हाथों की पल्स को चेक करेंगे अगर दोनों हाथों में रेडियल आर्टरी की पल्स सही आ रही है, है तो इसका मतलब है कि जब आपने वेन में डाली थी तो वहां किसी प्रकार का ट्रॉमा नहीं है वहां पर ब्लड सप्लाई भी प्रॉपर है द क्लाइंट इज प्रेस्क्राइब बेड रेस्ट आफ्टर द प्रोसीजर सो गेंट इज नॉट असेस्ड गेंट का मतलब होता है कि पेशेंट का पोस्टर या चल फिर इस चीज़ का असेसमेंट हम इस प्रोसीजर के बाद नहीं करते क्योंकि इस प्रोसीजर के जस्ट बाद पेशेंट को बेड रेस्ट करने के लिए कहा जाता है सेरिब्रल एंजियोग्राफी प्रोसीजर में गैग रिफ्लेक्स नहीं अफेक्ट होते हैं इसलिए इसे चेक करना आवश्यक नहीं है गैग रिफ्लेक्स जनरली एनेस्थीशिया देने के बाद एबसेंट हो जाते हैं इनका असेसमेंट एनेस्थीशिया के बाद किया जाता है द ब्लड प्रेशर शुड नॉट बी टेकन इन अफेक्टेड आर्म द इनक्रीज इन प्रेशर में इनिशियट ब्लीडिंग आपने पेशेंट के ब्रेकल आर्टरी में प्रोसीजर किया है पंचर किया है और अगर आप उसी जगह से ब्लड प्रेशर लेने लगेंगे तो आर्टरी पर दबाव पड़ेगा और वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी तो याद रखिएगा जब भी आपने इस तरह का कोई इन्वेजिव प्रोसीजर किया है तो उस एक्स्ट्रीमिटी से कभी भी आपको ब्लड प्रेशर नहीं लेना है अदरवाइज वहां पर ब्लीडिंग हो सकती है द सबक्लेवियन आर्ट्री इज द लार्ज वेसल दैट बिग बिगेन्स द ब्लड सप्लाई टू द अपर एक्सट्रीमिटी हमारा जो अपर एक्सट्रीमिटी है वहां पर ब्लड सप्लाई की शुरुआत सबक्लेवियन आर्ट्री द्वारा होती है ब्लड ट्रेवल्स फ्रॉम द हार्ट इंटू सब क्लेवियन आर्ट्री विच कंटिन्यूज डाउन आर्म इंटू द एक्सिलरी आर्ट्री हार्ट से ब्लड सबक्लेवियन आर्ट्री में आता है सब क्लेवियन आर्ट्री से एक्जिलरी आर्ट्री में द ब्रेकिल आर्ट्री इज अ ब्लड सप्लाई वेसल दैट कंटिन्यूज विद दिलरी आर्ट्री द ब्रेकल आर्ट्री इज द मेजर ब्लड वेसल ऑफ अपर आर्म ये पूरा सीक्वेंस है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके नॉलेज के लिए कि हमारी जो अपर एक्सट्रीमिटी है यानी हमारा जो हाथ है वहां पर कैसे ब्लड सप्लाई हार्ट से पहुंच पाती है इससे आप जान सकते हैं याद रखिएगा हार्ट के अंदर सबसे बड़ी ब्लड वेसल होती है ब्रेकिअल आर्टरी और ब्रेकिल आर्टरी को ब्लड मिलता है एक्सिलरी आर्टरी से और एक्सिलरी आर्टरी को ब्लड मिलता है सब क्लेवियन आर्टरी से और सब क्लेवियन आर्टरी निकलती है हार्ट से हार्ट सब क्लेवियन ब्रेकियल आर्टरी नेक्स्ट क्वेश्चन पल्प कैविटी सराउंडेड बाय आपको बताना है कि जो पल्प कैविटी है वो किसके द्वारा कवर्ड रहती है सराउंडेड रहती है डेंटीन के द्वारा सीमेंट के द्वारा क्राउन के द्वारा या फिर रूट के द्वारा यहाँ पर हम हमारे की बात कर रहे हैं तीत की बात कर रहे हैं द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इट इज डेंटीन डेंटीन इज अ हार्ड डेंस बोनी टिश्यू फॉर्म द बल्क ऑफ टूथ बीनीथ द इनेमल हमारे जो तीत होते हैं दांत होते हैं उनके रूट होती है और उसके ऊपर डेंटीन पाया जाता है और डेंटीन के ऊपर इनेमल पाया जाता है इस तरह से ये स्ट्रक्चर होती है नेक्स्ट क्वेश्चन विच न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट गोज अप इन ओल्ड एज ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा किस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट बढ़ती है प्रोटीन फैट विटामिन या कार्बोहाइड्रेट द राइट आंसर इज ऑप्शन सी याद रखिएगा विटामिन्स एक माइक्रो फूड एलिमेंट है और बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसका होना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है ओल्ड एज के अंदर पर्सन की एक्टिविटी का लेवल काफी कम होता है इस वजह से यहाँ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती लेकिन बॉडी ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अ क्लाइंट हु हैड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज एन कॉरोनरी केयर यूनिट ऑन कार्डियक मॉनिटर द नर्स वेंट्रिकुलर इरिटेबिलिटी ऑन स्क्रीन वॉट मेडिकेशन शुड द नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर एक पेशेंट जिसे एम आई हुआ है हार्ट अटैक हुआ है और वो सी सी यू में एडमिट है कार्डियक मोनिटर उसे लगा हुआ है और एज अ नर्स आप उसकी केयर कर रहे हैं आप देखते हैं कि इस पेशेंट में अचानक वेंट्रिकुलर अरिदमियाज़ या वेंट्रिकुलर इरिटेबिलिटी डेवलप हो रही है इस सिचुएशन में आप कौन सी मेडिसिन देना प्रिफर करेंगे बेसिकली आपको क्लाइंट में डेवलप हो रहे इस एरिया को करेक्ट करना है तो कौन सी मेडिसिन आप यहां पर देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम 2022 के लिए आपके ऑप्शंस हैं डिगोक्सिन फ्रूसेमाइड एमिडेर या फिर नॉर एपेफ्रेन द राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री इट इज़ एमियोडेर जो कि कॉर्डेरॉन के नाम से अवेलेबल होता है एम्योडेरॉन इज़ अ एंटी एरिदमिक मेडिसिन यूज टू ट्रीट प्रिवेंट अ नंबर ऑफ टाइप ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट्स अगर हमारे हार्ट की रिदम यानी हार्ट बीट्स नॉर्मल ना होकर एबनॉर्मल हो, हो जाए बहुत ज़्यादा तेज हो जाएँ तो इस सिचुएशन में इसे करेक्ट करने के लिए एंटी एरेदमिक मेडिसिन दी जाती है जिनमें से एमियोडेरोन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है दिस इंक्लूड्स वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाइट कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया एज वेल एज एट्रियल फिब्रिलेशन एंड पेरॉक्सिसमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एरेदमिया के एग्जाम्पल्स यहाँ पर बताए गए हैं जिनके ट्रीटमेंट में हम एमियोडेरोन मेडिसिन दे सकते हैं लेकिन याद रखिएगा इसका प्रिस्क्रिप्शन पहले डॉक्टर द्वारा दिया जा चुका था डॉक्टर ने लिख दी थी यह मेडिसिन कि अगर पेशेंट को यह होता है तो आप यह दे सकते हैं टेक स्क्रीन शॉट इफ यू वॉन्ट फॉर योर रिविजन एमियोडेर डिक्रीजेस द इरिटेबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल्स बाय प्रोलोंगिंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड रिफ्रैक्ट्री पीरियड इम्पोर्टेंट एमियोडेरॉन मेडिसिन किस प्रकार से अपना एक्शन दिखाती है या क्यों कहें कि किस प्रकार से अरेदमियाज को कंट्रोल करती है तो आप बताएंगे कि जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन है और जो रिफ्रैक्ट्री पीरियड है इसे प्रोलोंग करके यानी बढ़ाकर अभी हार्ट बहुत ही तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फड़फड़ा रहा है हार्ट रेट करीब 200, 250, 300 तक हो गई है तो ये क्या करेगा हार्ट रेट को हार्ट बीट को अरेदमिया को रेगुलेट करने के लिए कॉन्ट्रेक्शन को स्लो करेगा कॉन्ट्रेक्शन टाइम को बढ़ा देगा प्रोलोंग कर देगा और इस प्रकार से ये कंडीशन करेक्ट हो जाएगी याद रखिएगा प्रोलोंगिंग By प्रोलोंगिंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड रिफ्रैक्टरी पीरियड amiodarone decreases द irritability और अरे कंडीशन अब बात कर लेते हैं ऑप्शन में बताए हुए डिगॉक्सिन ड्रग की यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है डिगॉक्सिन लेनोक्सिन नाम से अवेलेबल है या इस नाम से भी पूछा जा सकता है स्लोज द स्ट्रेंथ ऑफ ventricular कॉन्ट्रैक्शन इट विल नॉट रैपिडली करेक्ट द एक्टोपिक बीट्स डिगोक्सिन ड्रग उस समय हम पेशेंट को देते हैं जब हमें हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन पावर को बढ़ाना हो न कि उसकी हार्ट रेट को बढ़ाना हो यानी कि अगर मान लीजिए पेशेंट को हार्ट फेलियर हुआ है हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है पूरा फोर्स लगा के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है तो इसके कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स को हम बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर डिगॉक्सिन मेडिसिन इस्तेमाल की जाएगी फ्रोसेमाइट जो कि मार्केट में लेसिक्स के नाम से अवेलेबल है यहाँ से भी कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं ये एक लूप डायूरेटिक ड्रग का एग्जाम्पल है और इसके द्वारा यूरिन आउटपुट को बढ़ाया जाता है और लास्ट में एग्जाम ऑप्शन में दिया गया था नॉर एपिनेफ्रीन इट इज़ अ सिम्पैथोमिमेटिक एंड इट इज नॉट यूज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेंट्रिकुलर इरिटेबिलिटी इस मेडिसिन के द्वारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है उसकी जो फंक्शनिंग है उसे बढ़ाया जाता है इसका इस्तेमाल हम अरिदमियास को कंट्रोल करने के लिए नहीं कर सकते नेक्स्ट क्वेश्चन

दिस कंडीशन इज कॉल्ड इसोफेजियल एट्रेसिया इस सिचुएशन में यदि कोई न्यूबॉर्न बेबी है तो उसमें आपको कौन सी फाइंडिंग या सिम्टम देखने को मिलेंगे ऑप्शन ए स्लोड रिफ्लेक्सेस कंटिन्यूअस ड्रूलिंग, डाइफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग या फिर पासिस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रूती स्टूल द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था मान लीजिए ये पर्सन की ईसोफेगस है जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है किसी एबनॉर्मलिटी uh, के कारण इनबॉर्न एरर के कारण ये ईसोफेगस आगे कनेक्ट नहीं हो पाई यही ब्लॉक हो गई बंद हो गई तो इस सिचुएशन में बच्चा लगातार जो सेलाइवा इन करेगा जो लार बार बार बच्चा निगल रहा है वो यहाँ से आगे स्टमक तक नहीं पहुँच पाएगा यहीं इकट्ठा होने लगेगा जब ये सलाइवा इकट्ठे होते होते एक लेवल तक आ जाएगा तो ये फिर माउथ से बाहर गिरने लगेगा यानी ड्रूलिंग होने लगेगी सलाइवा का लार का मुंह से लगातार बाहर गिरना क्योंकि वो पूरा अंदर भर चुका है ये कंडीशन इसोफेजियल एट्रेसिया कंडीशन को बताती है और इसे आप कंटिन्यूस uh, ड्रुलिंग के नाम से जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द नर्स डेवलपिंग अ बाउल रीट्रेनिंग प्लान फॉर अ पेशेंट विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, विच मेजर्स इज लाइकली टू बी लीस्ट हेल्पफुल टू द पेशेंट एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट है और आप उसे बाउल ट्रेनिंग दे रहे हैं दोबारा से बाउल ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं इस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन लीस्ट हेल्पफुल कम उपयोगी माना जाएगा ऑप्शन ए लिमिटिंग फ्लूइड इंटेक 1000 थाउजेंड एमएल पर डे आप इसे 1000 हजार से कम पानी देंगे या फिर प्रोवाइड अ हाई रफेस डाइट इसे बहुत ही ज्यादा रफेस डाइट देंगे यानी ऐसी डाइट जो कि ज्यादा स्टूल फॉर्म कराए या फिर एलिवेटिंग द टॉयलेट सीट फॉर इजी एक्सेस हम इस पेशेंट के लिए जो टॉयलेट है उसकी सीट को ओपन रखेंगे एलिवेटेड रखेंगे या फिर इस्टेब्लिशिंग अ रेगुलर शेड्यूल फॉर टॉयलेटिंग हम इसके लिए किस समय टॉयलेट जाना है इसका समय निर्धारित कर देंगे इन चारों ऑप्शंस में से सबसे कम उपयोगी लीस्ट हेल्पफुल कंडीशन कौन सी है बाउल ट्रेनिंग से रिलेटेड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यहाँ पर टॉयलेट सीट को ओपन या एलिवेटेड रखना इतना उपयोगी नहीं है आइए मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है इसके बारे में भी जान लें अ डिजीज इन विच इम्यून सिस्टम ईट्स अवे ऑल द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ नर्व्स हमारी जो नर्व्स होती हैं इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को अगर हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही खा जाए ख़त्म कर दे डिस्ट्रॉय कर दे तो ये कंडीशन मल्टीपल स्क्लेरोसिस के नाम से ही जानी जाती है रिजल्टिंग नर्व डैमेज रिस्टर्ब कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी और जब हमारी नर्व की प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वही हट चुकी है तो नर्व्स ओपन है अब ये इम्यून सिस्टम नर्व को भी डैमेज कर देगा और एक हिस्से में यदि नव में डैमेज हो गया तो इम्पल्स या सूचना ब्रेन से उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगी मल्टीपल स्क्लेरोसिस स्क्स मैनी डिफरेंट सिम्टम्स इंक्लूडिंग विजन लॉस पेन फैटिक इम्पेय कोऑर्डिनेशन। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट में बॉडी मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड नहीं होती है प्रॉपर नहीं होती है पेशेंट थोड़ा ही काम करके थक जाता है पेन रहता है विजन लॉस हो सकता है ये इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको यहां देखने को मिल सकते हैं आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले लें मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है सो so एवरी ये था हमारा आज का वीडियो होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉरनर्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेस्ट ऑफ लक